आज लक्ष्मी देवी से कम 50,000 रुपया लेंगे। यस यस। ये कितने लोग कौन है? यही तो है मम्मी की चमचियाँ। चमचियाँ? इन्होंने मम्मी का दिमाग खराब कर रखा है। हाँ, समझा। मादर ला का पैसा खाने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं धन्नो, इन्होंने मम्मी के सर पर दौलत का भूत भी चढ़ा रखा है। फिर तो इसको उतारना पड़ेगा। अलेक अलेक जंतर मंतर गंतर पंतर छंतर पंतर छू। कौन है तुम? बेबी तुम हमको नहीं पहचानती? हम लेडीज क्लब के डांस में मिली थी। हम तुम्हारी शादी में आई थी। बेबी हम तुम्हारी सास की सहेलियां हैं। सास की सहेलियां हैं? सुहालियां खाने को आया है क्या? नो नो बेबी। चुप बैठो। सोफा पे नहीं, नीचे। क्या मांगता है? हम लोग लेडीज क्लब के एनुअल फंक्शन के बारे में मैडम लक्ष्मी देवी के साथ डिस्कस करने आई हैं। डिस्कस? फंक्शन? क्लब? ये सब तुम क्या बोलता है? अच्छा तुम्हारे क्लब करता क्या है? हमारा क्लब औरतों के सुधार और सम्मान के लिए काम करता है। बेबी बेबी के बच्चे बैठ। तू करेगा औरत का सुधार, चोर और खजाने का चौकीदार है। बेबी तुम्हें तू धड़क से बात नहीं करनी चाहिए। अरे चल मैं तेरे साथ लाख से बात करूं। बड़ा औरत का उद्धार करने के लिए आया है। कभी अपने मर्द लोग के बारे में सोचे ना है? बच्चे लोग का ख्याल किए ना है? चटक को मटक को बन के फिरता। इतने इंसल्ट, मैडम लक्ष्मी तुम शिकायत करेंगी। क्या गवार की तरह बात करती है? चंगली कहीं की जानवर। क्या कहा? जानवर? जंगली? बेबी ये क्या हो रहा है? मारे लो, ये तुम्हारे चमचा लोग हमको जंगली कहता है, जानवर कहता है, गंवार कहता है, इंग्लिश में कौन सा गाली देता है। तुम्हारी बहू ने हमारी बेइज्जती की है, हमारे ऊपर हाथ उठाया है। रीता बहन ये बच्ची है, आपको इसे जंगली उंगली नहीं कहना चाहिए। अलेक मदरला बरोबर बोला। मैडम लक्ष्मी आपकी बहू करोड़पति की बेटी है, इसलिए आप उसकी साइड ले रही हैं। हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। अजी इनके लिए इंसाफ क्या, ईमान क्या? पैसे ही से इनको प्यार है, पैसा ही इनका भगवान है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे भीख मांगने वाली मेरी प्यारी से बहू को जंगली कहे, जानवर कहे। लक्ष्मी देवी आप पछताएंगी। अरे जाओ जाओ, किसे धमका रही हो? गेट आउट यहाँ से। बेबी इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। दीपक। जी मम्मी। दीपक जी। बेबी रानी बहुत थक गई होगी, जरा इसे बाहर घुमा। ओके मम्मी, अब तो जो बेबी कहेगी वही होगा। चलो बेबी। मदरला हाय राम, शादी के दिन भी गला खाली? ये भाभी ये क्या कर रही हो? इतना भी मेरा अधिकार नहीं, तुम मेरी ननंद रानी हो और मैं तुम्हारी भाभी। हाँ कितनी प्यारी लग रही है। अरे हाथ भी खाली, इतना बड़ा हीरो का हार और ये अंगूठी। बड़े लोगों का दिल भी कितना बड़ा होता है। जीती रहो। तो कमला जल्दी कर, जल्दी कर। शांति, मैडम से बगैर पूछे तुम इतने कीमती गहने दे रही हो, वो गुस्सा करेंगे। तुम चुप रहो, मेरी हर बात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। मैडम ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा है। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छी बात है। अरे मोती लाट साहब की तरह इधर क्या बैठा है? ये कुर्सी मेहमानों के लिए, चल लीजिए उधर। व्हाट द हेल यू मीन? आप मेरा अपमान कर रहे हैं जी। क्या मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूँ?
ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आपका नाम भी मोती है। देखिए मैं तो इस कुत्ते से कह रहा था, इसका नाम भी मोती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बैठिए बैठिए, लीजिए कोका कोला लीजिए। नो थैंक्स। ए चल मोती, चल चल। कुत्ते का नाम मोती, अपना नाम बदलना पड़ेगा। ये मुझे दीजिए, मैं परोसती हूँ, आप आराम कीजिए। काका जी वो देखो, हमारे मालिक की बेटी परोस रही है। अरे भैया बड़ी किस्मत वाला है शंकर लाल, साक्षात लक्ष्मी जैसी बहू पाई है। फैक्ट्री के मामूली मजदूर को तू परोस रही हो? ये मजदूर नहीं, मेरे ससुर जी के मेहमान हैं, समझे? मैं ये तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। कौन होते मुझे रोकने वाले? छोड़ो मोती, ये क्या बदतमीजी है? शांति से हाथ मत लगाओ, मैं इसे ये हरकत नहीं करने दूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दो उसका हाथ। मोती मोती, कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही, फैक्ट्री के सभी लोग। बहुत प्यार करता हूँ शेखर को। जी हाँ मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ। साथ रखना चाहते हो? जी जी हाँ, लेकिन कोई आज नहीं, रख लो। क्या नाम कहा था इसका? जी मोती। तो जरूर रख लो। आ मोती आ। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हमारे जमाई राजा का कुत्ता है ना, बड़ी जरूरत थी इसकी, रखवाली करेगा। जमाई के पास सोने चांदी की चीज है ना? नहीं कहना चाहिए लक्ष्मी। क्यों ना कहूँ, सास के घर जमाई कुत्ता और कुत्ते के साथ कुत्ता। किसी के जज्बात से मत खेलो लक्ष्मी, इंसानियत की कदर करो। भूचाल सिर्फ धरती में नहीं आता, कभी कभी लोगों के दिलो दिमाग में भी आ जाता है। शेखर हमने सुना तुम एक बहुत अच्छी तस्वीर बना रहे हो। हाँ हाँ डैडी, वो तस्वीर लाजवाब बनी है ना बेटी? हमारे शेखर से अच्छी तस्वीर और कौन बना सकता है? हमें कब दिखाओगे? वो तैयार है, आइए चलो चलो।